वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मरी हर्षद और आप देख रहे हैं कुक विद राबील। तो आज हम बनाने लगे हैं मजेदार सा आलू मटर का रायता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज के आलू और इन्हें हम कट कर लेंगे। तो हमने इनको अब कट कर लिए हैं। 1/2 कप मटर, इनको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये देखिए, आलूओं को हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है और ये देखिए हमने मटरों को भी पानी में डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। स्टोव को हम ऑन कर लेंगे। आलूओं और मटरों को हम इतनी देर रखेंगे जब तक ये गल ना जाए। आलू और मटर हमारे बॉईल हो गए हैं, तो अब हम इनका पानी ड्रेन कर लेंगे। हमने ले लिया है 2 कप दही। 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से व्हिस्क कर लेंगे ताकि जो दही में सारे लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। 1/2 टीस्पून में इसमें फिर से नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारे आलू मटर थे हम उनको इसमें ऐड कर देते हैं। आलू मटर को खूब अच्छे से ठंडे होने दें। जब वो ठंडे हो जाएंगे फिर ही उनको दही में डालना है, गर्मा गर्म ही नहीं डाल देने। मज़ेदार सा हमारा आलू मटर का रायता तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी तरह के राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या रोटी और सालन के साथ भी आप इसको रख सकते हैं। और मुझे तो ये एज इट इज स्पून के साथ खाना बहुत पसंद है। तो आप भी इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा।